नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। 24 का पेपर हो रहा है। मेरा सेंटर तो मुरादाबाद पड़ा है, अगर कोई मुरादाबाद होगा तो ज़रूर मिलना मुझसे, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी आप लोगों से, तो सोचा कि छोटा सा एक 5 मिनट का वीडियो आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। 24 के एग्ज़ाम के बाद देखिए, मैं GS के सारे विषय कंप्लीट करूँगा। सारे विषय का जो स्तर होगा वो UPSC लेवल तक का होगा, तो ऑटोमेटिकली जो निचले एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पूरा कराऊंगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होगा वो मैं सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में से कोई एक कराऊंगा, ठीक है। तो GS का पोर्शन प्लस हिस्ट्री, GS का पोर्शन मतलब पूरा GS का पोर्शन मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ और मैं पूरे रूप से उसमें सक्षम हूँ और मैं कराऊंगा। और जहाँ अगर मुझे कुछ मदद की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे आप लोगों से, अगर कोई सब्जेक्ट मुझे लगेगा कि मुझे और किसी की सहायता की आवश्यकता है तो शायद मैं बोलूँ आप लोगों को। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ मुझे आप लोगों की स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो इस चैनल पे अगर आपको लगता है कि चैनल आपको कुछ प्लेटफॉर्म दे सकता है या इस चैनल में कुछ क्वालिटी है और अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत होगा। ख़ास तौर से मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कुछ अलग अलग स्टेट के PCS हैं, है ना, जिनके कल्चर को के लिए स्पेशली पढ़ना पड़ता अलग से, जितना समय नहीं है मेरे पास, चाहे वो राजस्थान हो गया, चाहे वो झारखंड हो गया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो गया। तो कुछ स्टेट PCS को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स, हाँ, जो भी अपने करियर के दौर में हैं और अच्छे टीचर्स के रूप में अपने को बना सकते हैं, चाहे वो राजस्थान PCS के लिए राजस्थान स्पेशल हो, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो, राजस्थान का पूरा स्पेशल पोर्शन कवर करा सके, राजस्थान का पूरा एक पेपर कवर करा सके, मध्य प्रदेश का पूरा पेपर कवर करा सके एक, जो मध्य प्रदेश स्पेशल है, चाहे झारखंड है, है ना, ये कोई पढ़ाने के इच्छुक हो स्वागत है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग पढ़ाने का कोई इच्छुक हो बिल्कुल स्वागत है। और जो ये प्रोसेस है ये सिर्फ 24th के बाद शुरू होगा। आप लोग मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल को अवॉइड कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही अगर थोड़ी बहुत बात हो जाए तो बेटर है, ठीक है। 9310887725। इस पे 24th के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है तो आप 5 मिनट का अपना जो बेस्ट टॉपिक, जो आप टॉपिक बेस्ट पढ़ा सकते हैं, आप जो वीडियो भेजेंगे मैं उसे आपका बेस्ट पोर्शन मानूंगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो उसे आपको पढ़ाना है उसका कोई भी टॉपिक चुन के मुझे 4 से 5 मिनट की वीडियो भेजिए, ठीक है, लिंक भेजिए ताकि मैं उसे देखूँ। और अगर मुझे लगेगा कि ठीक है, सब कुछ अच्छा है और इस चैनल के साथ जस्टिस हो पाएगा, आप लोग आप जस्टिस कर पाएंगे, तो आपकी वीडियोज़ को अपलोड किया जाएगा और जो भी व्यूवर्स का रिव्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका हमारा कंटिन्यूशन साथ साथ रहेगा, ठीक है। मैं पैसा से पहले चाहता हूँ कि इस चैनल से जुड़े हुए लोग ही सामने आएँ। देखिए, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, और अगर रिजेक्शन भी होता है तो इसे फेलियर के रूप में मत मानिएगा आप लोग, बिकॉज कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, जो कोशिश मैंने की इस क्वालिटी को और इस समानता को और इस साफ गोई को मेंटेन करने की, उसे आगे बढ़ा के चलना है। और उसके बाद जो ये वीडियोस आप बनाएंगे अगर मेरे चैनल पे, जिसको अनुमति से या सहमति मिलती है, तो वो स्पेशली मेरे चैनल के ही कॉपीराइट्स के अकॉर्डिंग होंगे, उसमें मेरे चैनल के अलावा और कहीं वो वीडियोस ना हों, अदरवाइज़ वो वीडियो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो कि मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूँगा। तो क्लियर कट बातें, मुझे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है फैकल्टी की। अगर आप में है क्वालिटी, आपको लगता है कि हम लोग कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं, आप लोग लगता है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन में आप ऊर्जावान रहते हुए अपनी कमिटमेंट को हर हालत तक ले जाएंगे, और एक अच्छे टीचर के गुण हैं आप में, कनेक्ट होने की अच्छी क्षमता है आप में, तो प्लीज़ आइए हिस्सा बनते हैं और इस एक छोटी से मुहिम को आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। 24 के बाद इस पर काम करते हैं। थैंक यू।